हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएससी रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महास महाराजा अजय देवगन सर की आने वाली मच अवेटेड मोस्ट अवेटेड मूवी मैदान, जो कि 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली, और यहां पर इस मूवी का सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर भी आने वाला है। लेकिन यहां पर अब इस मूवी का भाई साहब सेंसर बोर्ड की तरफ से जो रन टाइम है वो निकल कर आ चुका है, यानी कि ये मूवी सेंसर बोर्ड की तरफ से पास हो चुकी है। और इस मूवी का जो रन टाइम निकल कर सामने आया वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। यस, यानी यहां पर आप एकदम हिल जाओगे इस मूवी के रन टाइम को देखने के बाद। तो दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम क्या है और इस मूवी को लेकर और भी क्या अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, फुल डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अपडेट्स को देख सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर मैदान मूवी का जो इस टाइम पब्लिक के अंदर हाइप है वो काफी अच्छे लेवल पर देखने को मिला, और ये मूवी क्लैश में रिलीज होने वाली है। तो यहाँ पर जो मेकर है इस मूवी का पब्लिक के अंदर और भी हाइप क्रिएट करने के लिए इस मूवी का जो सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर है वो रिलीज करने वाले। यस, यानी कि यहाँ पर जो सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है उसकी रिलीज डेट क्या है अभी तक निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन आप मान कर जा सकते हैं कि आने वाले 3 या 4 दिनों में हमें मैदान मूवी का जो सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर है वो देखने को मिल सकता है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें इस मूवी के रन टाइम की, तो यहां पर इस मूवी का जो सेंसर बोर्ड की तरफ से रन टाइम निकल कर आया वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। यस, कहीं नहीं, आप सभी को पता है कि ये मूवी बायोपिक है, और अभी तक आपने जितनी भी बायोपिक्स देखी होंगी भाई साहब उन सबसे ज्यादा इस मूवी का रन टाइम होने वाला है। यस, कहीं नहीं, यहां पर 3 घंटा 2 मिनट की यह मूवी होने वाली है। यस, कहीं नहीं, 3 hours and 2 minutes की यह मूवी है, और आप देख सकते हैं कि भाई साहब इतनी लंबी बायोपिक और मैंने आज तक इतनी बड़ी बायोपिक नहीं देखी। यस, यानी कि इतना ज्यादा रन टाइम है, और आप सभी को पता है कि क्लैश में मूवी रिलीज हो रही है। तो यहां पर इस मूवी का जो रन टाइम है भाई साहब अच्छा भी है लेकिन नहीं भी अच्छा। यस, यानी कि अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 घंटे की मूवी है, और इस मूवी के अंदर अजय देवगन सर की करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, AR रहमान सर का बेस्ट म्यूजिक है। तो यहां पर 3 घंटे हम पूरे तरीके से एंटरटेन होने वाले हैं, लेकिन अगर भाई साहब इस मूवी के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है, जिसके इन्हीं के 3 घंटे मूवी को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहां पर अगर इस मूवी के अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है इस मूवी के रन टाइम को लेकर, यानी कि फर्स्ट हाफ या सेकंड आवर में थोड़ी सी भी पब्लिक बोर होती है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इस मूवी के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है, क्योंकि क्लैश में मूवी रिलीज हो रही है। तो भाई साहब, अगर इस मूवी को थोड़ा सा भी पब्लिक की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिल गया तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इस मूवी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यहां पर इस मूवी का जो रन टाइम निकल कर आया है वो 3 घंटा 2 मिनट है, यानी कि 3 घंटा प्लस इस मूवी का रन टाइम है, जो कि काफी अच्छा और तगड़ा रन टाइम है। और भाई साहब, मैंने अभी तक जितनी भी बायोपिक्स देखी हैं उनमें से सबसे ज्यादा इस मूवी का रन टाइम होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इससे पहले भी कोई बायोपिक आई है? क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने जितनी भी देखी है, मैंने MS धोनी के ऊपर देखी है और उसके अलावा और भी बहुत सारी देखी है। तो भाई साहब, यहां पर आप कह सकते हैं कि उतना ज्यादा रन टाइम नहीं था जितना कि इस मूवी का रन टाइम है। तो दोस्तों, आपने अगर ऐसी कोई मूवी देखी है जिसका इस मूवी से भी ज्यादा रन टाइम था बायोपिक में, हमें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।